हेलो एवरीवन, चलिए आज बनाते हैं घर पे पनीर काठी रोल एकदम रेस्टोरेंट के स्टाइल में। और हम इसे थोड़ा सा हेल्दी वे में बनाएंगे, क्योंकि जब भी हम बाहर खाते हैं तो ये मैदे से बनी हुई मिलती है। और आज मैं आपके साथ गेहूं के आटे से बनी हुई पनीर काठी के रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप गेहूँ का आटा ले लिया है और इसमें मैं 1/4 कप बारीक वाली सूजी डाल रही हूँ और इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे। आप घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और पहले इस सबको अच्छे तरीके से मिलाएंगे। और अब मैं इसमें पानी डालते हुए इसको एकदम सॉफ्ट गूंथूंगी, क्योंकि इसमें जो हमने सूजी डाला हुआ है वो बाद में फूलेगी और इसलिए आटा को थोड़ा सा सॉफ्ट लगाएंगे। अगर आप यहाँ पे सूजी नहीं डाल रहे हैं तो इसे नॉर्मल गूंथिएगा, जिस तरह से आप रोटी पराठे के लिए गूंथते हैं। और यहाँ पे इसको 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारी सब्जियों को एकदम बारीक बारीक कट कर लिया है स्लाइसेस में। और यहाँ पे मैंने पनीर लिया है और इसे थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। तो सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने इसे एक मिक्सिंग बाउल में डाल लिया है और यहाँ पे मैंने दही लिया है और एकदम गाढ़ी दही है। मैंने आधे घंटे पहले इसे छन्नी में रख दिया था, जिससे इसका पानी निकल गया है। और अब इसे थोड़ा सा फेंट के और 4 से 5 चम्मच हम दही पनीर में डाल देंगे। और यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, धनिया जीरा पाउडर डाल देंगे। मैं यहाँ पे गरम मसाला भी डाल रही हूँ और चाट मसाला डाल देंगे। और 1 चम्मच मैं यहाँ पे कसूरी मेथी डाल रही हूँ। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे, लगभग 1 चम्मच के जितना नींबू का रस डालेंगे। और इन सबको अच्छे तरीके से पहले मिला लेंगे। और इस टाइम हम नमक नहीं डालेंगे, नहीं तो ये दही पानी छोड़ने लगती है। और सारी चीज़ों को 10 मिनट तक हम ऐसे ही रेस्ट पे रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये नॉन स्टिक की पैन लिया है और अब इसमें 1.5 चम्मच के जितना मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ और इसे पूरे पैन में फैला लेंगे। और जैसे ही तेल एकदम अच्छे से गर्म हो जाएगी, इसके बाद हम पनीर को डाल देंगे। और फ्लेम को मैंने एकदम हाई रखा है और इसे हाई फ्लेम पे ही हम रोस्ट करेंगे। जैसे ही एक साइड से अच्छे से सिक जाएगी, इसके बाद हम इसे हल्का हल्का पलटेंगे, बहुत ही हल्के हाथों से इसे चलाएंगे, नहीं तो ये पनीर टूटेगी। और यहाँ पे देखिए, एकदम अच्छे तरीके से ये रोस्ट हो गई है। तो अब हम सब्जी को भी डाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज को डाल रही हूँ। और इसी के साथ मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। और अब इसे फिर से हम 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करेंगे। और यहाँ भी मैंने फ्लेम को हाई रखा है और हाई फ्लेम पे अगर आप रोस्ट करेंगे तो सब्जियों में बहुत अच्छी क्रंच आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी ये पनीर की सब्जी बनके तैयार है। आप इसे ऐसे भी रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसे हम साइड में रखेंगे और अब इसके लिए हम लच्छा पराठा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आटा और सॉफ्ट हो गई है और इसमें बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, जैसे कि मैदा में होती है। तो अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसे और मसल लिया है और अब हम इसे एकदम बड़ा सा बेल लेंगे। जितना आप पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेल लीजिएगा। और इसके ऊपर मैंने तेल को अच्छी तरीके से चारों तरफ फैला लिया है और इसके ऊपर हम आटा को ऐसे छिटक देंगे। और अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक के ऊपर एक प्लेट को रखते जाएंगे। और भी तरीके हैं लच्छा पराठा बनाने के, आप उस तरह से भी बना सकते हैं। यह तरीका बहुत ही आसान लगता है मुझे। और अब मैंने सारे प्लेट को एक साथ इस तरह से रख लिया है और अब इसे थोड़ा सा पतला करते हुए खींचेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आटा कितनी अच्छी गुथी है और इसे जितना भी आप खींच लीजिए, ये बिल्कुल भी नहीं टूट रही, बिल्कुल मैदे की तरह लग रही है। इसका टेक्सचर एकदम मैदे की तरह हो गया है। तो अब हम इसे रोल कर लेंगे और लास्ट का जो पार्ट है उसे नीचे दबा देंगे। और अब यहाँ पे हम पराठे को बेल लेंगे।
मैंने इसे रोटी से थोड़ा सा मोटा रखा है। और यहाँ पे देख सकते हैं लच्छी अभी से कितनी अच्छी दिख रही है, और यहाँ पे इसकी थिकनेस देख सकते हैं। तो अब हम इसे सेकेंगे। तो यहाँ पे मैं घी लगाते हुए इसे अच्छे तरीके से सेक लूंगी। और यहाँ पे मैं दूसरी साइड भी घी लगा दे रही हूँ। आप यहाँ पे घी की जगह ऑयल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये पराठा बन चुकी है। इसी तरह से हम सारे पराठे को बना लेंगे। तो अब हम इसे रोल बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बटर पेपर रखा है और इसके ऊपर हम इस तरह से पराठे को रख देंगे। और इसके ऊपर मैं ये जो पनीर की सब्जी है उसे इस तरह से पतला करके रखेंगे। और अब हम इसके ऊपर टमाटर प्याज को भी रख देंगे। यहाँ पे धनिया की पत्ती हो तो आप उसे भी रख सकते हैं, उसे बहुत अच्छी टेस्ट आती है आज। और इसके ऊपर मैं टमाटर सॉस लगा रही हूँ और यहाँ पे ग्रीन चिल्ली सॉस लगा देंगे और थोड़ी सी मेयोनीज भी लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारी सारी चीज़ें लग चुकी है और अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो आप इस रोल को बच्चों को देंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है और टिफ़िन के लिए ये बहुत ही अच्छी है। बच्चे एकदम टिफ़िन कर खाली करके आएंगे। तो अब हम इसे एकदम टाइट रोल कर लेंगे और बटर पेपर को इस तरह से चारों तरफ से लपेट लेंगे तो ये खुलेगी भी नहीं। और फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी बनी है। और आज की रेसिपी आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट्स करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना लाइक कमेंट्स देना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और